नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द फैक्ट आई में। आज हम विशेष मुद्दे पे बातचीत करने के लिए लोगों के साथ डायरेक्ट लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है। विशेष बात आपको बता दें, यहां पे हमारा मुद्दा है कि जब बाबा राम रहीम जी समाज में थे और अब वो नहीं है, इतने समय में समाज में क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया, इसी चीज को लेके लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे पास हमारे साथ काफी नौजवान लड़के हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अमन इंसान। कपिल इंसान। सर आपका? विपन इंसान। रजत इंसान। आप लोग कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा आ रहे हो? हम तकरीबन 20 साल से डेरा सच्चा सौदा के साथ ही जुड़े हुए हैं और जब तक ये जिंद जाना हम डेरा सच्चा सौदा के साथ ही रहेंगे। आप कितने सालों से? 20 साल से। 18-19 साल से। 45 आप लोग कह रहे हैं कि आप इतने सालों से डेरा सच्चा सौदा आ रहे हो, आपका पूरा परिवार आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर मीडिया में दिखाया गया कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप कह रहे हो कि आप 20 सालों से डेरा सच्चा सौदा आ रहे हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो मैं मानता हूँ कि इंडिया में कहीं और जगह ही नहीं है जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हो। इतना तो अपने परिवार में भी हमारे माता बहनें सुरक्षित नहीं है जितनी कि डेरा सच्चा सौदा में आके। यहाँ पर सभी अपने भाई बहन को बहुत प्यार है, यहाँ ही इंसानियत का सच्चा जो नाता है वो हमें सिखाया जाता है कि इंसानियत का क्या है और जो जो काम ने करने हैं वो सभी बात यहाँ से ही हमें आकर पता लगती है। 133 मानवता भलाई के कार्य, अगर गुरु जी के जाने के बाद कोई फर्क पड़ा है तो वो नशे आए हैं और जो मानवता भलाई के कार्य हैं उनमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन उस डेरा सच्चा सौदा में वो सारे कार्य जरूर चल रहे हैं, लेकिन समाज में उनकी कमी जरूर आई है। जो गुरु जी हर हफ्ते जो सत्संग करते थे उसमें 20,000-50,000 लोग नामदान लेके बुराइयाँ छोड़ते थे, उसमें कमी आई है, और अगर किसी बात में कमी आई तो वो कोई कमी नहीं आई। तो यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा गलत बोलने से पहले वो एक बार डेरा सच्चा सौदा में आए जरूर, यहाँ पर माहौल देखें, आपसी भाईचारा देखें, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। बिकाऊ मीडिया का क्या, वो तो पैसे दो तो वही उसकी बात ही बोलेगा। झूठ के पलांगे थे उनकी तो पोल खुलनी शुरू हो गया, CBI का अगर पर्दा साफ हो ही गया सबके पास है। देश की CBI का कितनी बदनामी कराई है देश की कानूनी व्यवस्था को वो तो आप सबको पता लग गया। थोड़ी देर में मीडिया भी आपके सामने आ जाएगा, वो आपको रिपोर्ट भी आई है कि 2 साल पहले से ये पिताजी को, क्योंकि पिताजी इतने अच्छे काम कर रहे थे कि पॉलिटिशियन को उनको अपना खतरा था, उनको अपनी कुर्सी बचानी थी, इसलिए उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत पिताजी को जो करवाया सब कुछ करवाया। लेकिन झूठ का जो ज़्यादा, तो वो कहते हैं ना कि जब पानी गड़े में पड़ जाता तो वो ज़्यादा देर नहीं था, वो एक दिन फूटेगा, वो जल्दी ही फूटने वाला है बस। देखिए इनका कहना है कि जो सच्चाई थी वो धीरे धीरे अब सामने आने लगी है। बिल्कुल, जब तक जिंद जान हम यहीं आएंगे, सोच भी नहीं सकते कहीं और चले जाए। हमने हमारे गुरु जी ने शिक्षा ही दी, यही दी थी कि अच्छे काम करो, मानवता भलाई के काम करो, जो जीवन में यही काम आएंगे। फालतू की चीज़ें तो कोई काम आने का कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी में। जिंदगी एक बार मिली है, अच्छे से हम जिएंगे और गुरु जी की शिक्षा पर चलते ही रहेंगे। दोनों बैंकर है, कोटक महिंद्रा बैंक में, मैं HDFC बैंक में, अंधविश्वास का वेल एजुकेटेड है, हम जितने भी खड़े हैं वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी समझ है, पूरा देख के हमने पूरा देखा परखा है, हमारे साथ कई तरह के चमत्कार हुए हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जब तक हम जिंदगी है हम डेरा सच्चा के सौदा के साथ ही रहेंगे। अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाए ना तो उसके परिवार में अगर 10 जने हो ना तो वो ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए ना तो एक जना ओ पॉजिटिव ब्लड देने के तैयार नहीं होता। और यहाँ पर तो ऐसी हजारों एग्जाम्पल हैं जो गुर्दा देने के लिए तैयार है किसी के लिए, और कोई इंसान ही कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। सिर्फ क्या है, गुरु जी ने उनको एक ऐसी शिक्षा दी है कि वो एक मिनट में अपने लिए वो दूसरे के लिए गुर्दा देने को भी तैयार है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और एक बात और है, जो समाज में बोल रहे हैं डेरा प्रेमी ऐसे हैं जैसे हैं, जब उनको अपनी धी बहन की शादी करनी होती है ना तो सबसे पहले उनका डिमांड ये होती है कि डेरा प्रेमी हो, नशे ना करता हो, ऐसा गंदा जुआ ना खेलता हो, तब उनको समझ आनी चाहिए भी अपनी धी बहन की सुरक्षा के लिए तो आप प्रेमी लड़का पालते हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करने से पहले पहले आपको देखें परखें फिर आगे बात करें। और बिकाऊ मीडिया पे विश्वास बिल्कुल भी ना करें, इंडियन मीडिया तो बिल्कुल बेकार है। जैसे जैसे सभी की पोल खुली है थोड़े दिन में बस मीडिया की भी पोल खुलने सामने आ जाएगी, आप सबको हमारे लिए तो ये जन्नत है, ठीक है, कहीं हमें इससे अच्छा स्थान और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखिए ये हमारे साथ नौजवान लोग थे जो हमारे साथ जुड़े, इन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा को वो अपना घर मानते हैं, जन्नत मानते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर नहीं दे, डायरेक्ट लोगों के बीच पहुंच के डायरेक्ट लोगों से बातचीत करके हम सच्चाई की खोज में पहुंचे हैं।